आई एम ईटिंग खाखरा लाइक आई डू नॉट हैव एनी वर्क विदाउट ईटिंग खाखरा. लाइक एक बार खाने का स्टार्ट किया तो फिर खाते जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है. पूरा पैकेट आई गेस मैं खत्म कर दूंगी, लेकिन आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ. यस आई एम खाखरा लवर एंड यस आई एम गुजराती. So I just had a shower. Shower was really great. I just cleaned with the cleanser of my face. पहले मेरे face पे बहुत pimples हुआ करते थे, लेकिन thank God कि अब मेरे pimples बहुत ही कम हो गए. आपको पुराने marks भी दिखेंगे यहाँ पे. Lighting का issue है यहाँ पे because I'm in Ahmedabad at my mother's house. Okay. So आज हम पहनने वाले हैं this कुर्ती because यहाँ पे बहुत 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 तेज गर्मी है और इसके नीचे हम प्लाजो पहनने वाले ब्लैक कलर का. ये मेरा बहुत ही पुराना आउटफिट है बट दिस इज़ अ वेरी कम्फी आउटफिट. मतलब ये प्योर कॉटन है. इसको पहनने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है. तो अभी मुझे इतना गर्मी फील हो रहा है कि मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि कपड़े ही ना पहनूं वैसे तो, और मेरे बाल पूरे काट दूँ, टकला हो जाऊँ. बट दो आई कैन नॉट डू दैट थिंग, तो मुझे फ़िलहाल ये काम चलाऊ थिंग से काम चलाना पड़ेगा. तो I'm wearing these things and आज का जो वीडियो है हम कर रहे हैं कि आज मेरा पुराना जितना सामान है जो मेरी माँ के घर पे पड़ा है उसको हम बारी बारी से निकालेंगे और देखेंगे कि जो यूज़फुल है वो उसको हम मुंबई लेके जाएंगे और जो मेरा काम का नहीं है उसको यहीं पे रहने देंगे. सो दिस इज़ द थिंग. और इसके साथ हम थोड़ी सी चिट चैट भी करेंगे बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आजकल मेरी लाइफ के रिगार्डिंग आ रही है लोगों से, बाय ऑनलाइन और बाय ऑफलाइन और बाय वाया. सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं कहीं पे बोल तो नहीं सकती हूँ, तो यहीं पे बोल दूँ आप लोगों के सामने, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग. सो हियर आई एम रेडी. आई एम शूटिंग राइट नाउ विथ माई मोबाइल, सो मे बी यू पीपल कैन नॉट सी द होल मी. लेट मी शो यू इफ आई कुड. सो दिस इज द कुर्ती आई एम वेयरिंग राइट नाउ. And this is the palazzo over here. So this is the very comfortable outfit for me because Ahmedabad में अभी बहुत गर्मी है और मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर दिया है. मैंने सनस्क्रीन लोशन लगा दिया है. आफ्टर सनस्क्रीन लोशन भी आप देख सकते हो कि गर्मी इतनी है कि पसीना निकल रहा है और आई डोंट नो मेरा बॉडी टाइप ऐसा होगा और जनरली मुझे पसीना बहुत होता है तो ऑफकोर्स उसकी वजह से मेरा निकल रहा है पसीना. और यहाँ पे ये देखो, इसको देखो जेफी, व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैंने ना मेरे बर्थडे टाइम पे बैंग्स करवाए थे बिकॉज ना मुझे कुछ यूनिक सा करना था, कुछ अलग सा करना था. अभी वो बैंग्स मुझे इतने परेशान कर रहे हैं और मेरा ओरिजिनल हेयर टाइप इज अ कर्ली एंड वेवी टाइप विच इज द बेस्ट हेयर टाइप जो मुझे भगवान ने दिया है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. बट मैंने यू नो जब बर्थडे होता है तो यू नो सबको होता है कि चलो आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ यू नो बर्थडे पे कुछ न्यू स्टाइल करते हैं. और कभी ना कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि आपको ऐसा लगता है कि चलो कुछ नया ट्राई करें हेयर में पर्टिकुलर. एंड आई एम द पर्सन, बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ें हेयर में नई करवाई है और है मेरा इस तरह का. तो वो केराटिन की वजह से आपको ये आधे बाल सीधे लग रहे हैं और जो मेरा न्यू ग्रोथ हो रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, राइट. सो इट्स लुक लाइक दिस. और हर बार मुझे स्टाइल करना पड़ता है. अभी मेरा कोई मूड नहीं है स्टाइल करने का इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने चोटी करके रख दी है. ये कहने का पर्पज इस स्टोरी का यही था कि अगर आपके भी मेरे तरह के वेवी कर्ली टाइप बाल है तो डू नॉट डू वॉट आई डिड. सो मत करना, जो है वही रखो और उसमें कुछ यूनिक स्टाइल ढूंढो. यू नो अभी कर्ली में जो डिफाइन कर्ल्स करके यू नो जो हेयर स्टाइल्स बनाते हैं दैट इज़ द परफेक्ट. एंड आई विल स्टार्ट टू डू विथ माई हेयर ऑल्सो वंस आई हैव होल ग्रोन ग्रोथ. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रेसिंग टेबल एट माई हाउस एंड दिस इज टू ड्रॉवर्स हियर और इसी के अंदर सब कुछ है जो मेरा और सबका मिक्स है, मम्मी का, दीदी का, सबका, यू नो द बैंगल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग. थोड़ा यहाँ वहाँ की चीज़ें भी होगी जैसे कि ये सैनिटरी पैड, सो डू नॉट माइंड इट.
और इसके ऊपर ये जो है ये पूरा दरवाज़ा है, कांच है, उसके ऊपर दरवाज़ा ये खुलता है पूरा, तो इस ये ड्रॉअर बनता है। तो यहाँ पे जैफी की चीज़ें भी है, मेरी चीज़ें भी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये हाउस होल्ड वाली चीज़ें भी, सब कुछ इसी के अंदर भर के रख दिया है मम्मी ने। वो पीछे बस बहुत सारी नॉइज आ रही होंगी बिकॉज ऑफ यू नो द लाइटिंग का भी इश्यू हो रहा होगा। आई होप आई एम विजिबल प्रॉपरली टू यू गाइस। लेट मी चेंज द लाइटनिंग थिंग। मैंने अपना एक ब्रीफ केस है, सूट केस मेरा ट्रॉली बैग, उसी के ऊपर सब कुछ रख दिया। या दिस इज बेटर, सो नाउ आई कैन टॉक ईजीली, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फिलहाल मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं सबके सब कि यू नो नॉट ऑन माई वीडियो, लोग मुझे पर्सनली DM करते हैं एंड कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती बातें मेरे पास आती है कि देखो ना अभी इसका लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है, शी इज़ वेरी हाई फाई एंड देखो किस तरह से ये लाइफ जी रही है और कैसे कपड़े पहनती है, हर जगह घूमती रहती है, बस इसको तो घूमना ही है और कुछ नहीं करना है एंड ऑल लाइक काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये लोग, ये जो मैंने, जब से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे यूट्यूब करना है, उसके बाद मैंने जो अपना लाइफ, मैंने पहले तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक किया और फिर मैंने धीरे 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 जो मैं रियल में करती हूँ वो सारी चीज़ें अपलोड करनी स्टार्ट की। तो उसके बाद मुझे ये सारे कमेंट्स स्टार्ट हुए हैं आने के। ओके, सो यू नो रिलेटिव्स आल्सो, इंक्लूडिंग माय रिलेटिव्स। सो पहले तो यूट्यूब के बारे में बोल दूँ मैं कि यूट्यूब मुझे पाँच एक साल पहले से मुझे करना था, लेकिन बिकॉज तब यू नो आई एम फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड यहाँ पे जो भी अभी मेरी लाइफ में कर रही हूँ मैं और मैं करने वाली भी हूँ, तो वो सब मेरे खुद के डिसीजन रहे हैं हमेशा से और मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया है हमेशा से। तो बिकॉज ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड येस माई मदर एंड माई ब्रदर आर वेरी सपोर्टिव टू मी, वॉट एवर आई डू दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग। मेरे पापा ने भी और मेरी सिस्टर ने भी मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, लेकिन यू कहीं ना कभी भी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने की बात आ जाती है तो दे आर सडनली दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट एक्सेप्ट, बट या लेटर दे एक्सेप्ट मी एंड माई डिसीजन एवरीथिंग। मे बी मेरी तरह आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल एवरीथिंग। ये कोई पर्पज नहीं है वीडियो का कि यू नो YouTube का वीडियो करके मैं कोई सिंपथी गेन करना चाहती हूँ, YouTube का वीडियो करके यू नो मैं लोगों को बता रही हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल माई ऑडियंस वॉट आई एम फेसिंग एंड इफ यू आर फेसिंग सो डू नॉट हेजिटेट, डू वॉट यू पीपल लाइक, डू वॉट योर माइंड योर हार्ट सेइंग टू यू। तो 5 साल पहले ही मुझे YouTube स्टार्ट करना था, बट मेरे पास इतना गाइडलाइंस नहीं था, ना मेरे पास रिसोर्सेज थे और प्रिविलेजेस भी नहीं थे तब मेरे पास। तो तब ना करना था, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, किस तरह से ये काम करता है, क्या करना है आगे, तो ये सब कुछ पता नहीं था। तो अभी जो मेरी लाइफ चल रही है, अभी जो भी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है। दो तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो ऑफकोर्स आपको पता नहीं है कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं। अगर मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बहुत पहले से वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए होते तो आप लोगों को पता चलता कि मेरा स्ट्रगल क्या है, मैंने क्या क्या किया है। मैंने भी रात को 3-3 बजे जाग के काम किए हैं, मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडी में उठ के मैंने ट्रेन्स पकड़ी है, मैंने यू नो उस तरह से मैं IT फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने वैसी कंपनीज में जा के काम किए हैं जहाँ पे यू नो रात के 8 बजे के बाद प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एरिया में अगर कोई भी यहाँ पे फार्मा से रिलेटेड बंदा अगर दिख रहा है या बंदी, तो उनको पता ही होगा कि प्रोडक्शन एरिया में 8-1 बजे के बाद ओनली मेल वर्कर्स एंड मेल पर्सन्स आर अलाउड बिकॉज ऑफ यू नो द सेफ्टी रीज़न आई गेस। तब जाके मैंने मेरे सारे काम किए। सो दिस इज़ माई स्ट्रगल एंड मैनी मोर थिंग, मतलब मुझे खाने का इश्यू हुए है, मतलब प्रॉपर खाना नहीं मिला है, कभी कभी इतना काम होता था कि खाने का याद भी नहीं रहता था और मिलता था वो भी यू नो यहाँ वहाँ से खा लिया, बट आई डिड नॉट कम्प्लेन और ना मैंने उसका वीडियो बनाया है तब। तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी 4-5 साल पहले की स्ट्रगल दिखाऊँ तभी यू नो आई एम द पर्सन हु कैन डू एंड एन्जॉय माई लाइफ और मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, मैं हर जगह घूम सकती हूँ।
इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपको मेरे पीछे की लाइफ पता नहीं है तो यू कैन नॉट जज मी बेस्ड ऑन दैट. तो अभी मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे मेरी बहुत साल की स्ट्रगल रही है. मैं 2016 से आफ्टर माई कॉलेज मैं तब से काम कर रही हूँ. लेकिन तब मुझे करना था सब कुछ, लेकिन मेरे पास नहीं था नॉलेज, नहीं था कि किस तरह से इसको सूट करते हैं, किस तरह से एडिट करते हैं, किस तरह से यू नो मैं ला सकती हूँ. बट जब मैंने फिर अपने काम के रिगार्डिंग ट्रैवल करना स्टार्ट किया तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे ये करना ही है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग. तो रीज़न यही था फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का कि अगर मैं अपने काम के रिगार्डिंग ट्रैवल कर रही हूँ, पीपल आर आस्किंग कि करती क्या है तो वॉट यू डू, तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं. तो आई डोंट नो कि मैं उसका क्या जवाब दूँ बिकॉज मैं जहाँ जहाँ पे घूमी हूँ और घूमती हूँ वो मेरे काम के रिगार्डिंग ही होता है. दैट देर इज नथिंग एल्स. सो मैं अभी शिपिंग इंडस्ट्री में भी वर्क कर रही हूँ. अगर आप लोगों को शिपिंग इंडस्ट्री का नॉलेज हो, शिपिंग मीन्स द फ्राइट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम क्लियरेंस एंड दैट काइंड ऑफ CHS सर्विसेज विच वी प्रोवाइड. ओके, सो ये मैं कर रही हूँ एज अ यू नो जस्ट टू हेल्प माई फ्रेंड्स एंड द पीपल whom आई नो. ओके, तो मैं कर रही हूँ और सीख रही हूँ, तो उसी वजह से मेरा यहाँ वहाँ सब जगह आना जाना रहता है. यही पर्पस था मेरा सब बोलने का कि आई एम 30 नाउ. ओके, तो 30 की एज होने के बाद देर इज नो लिमिट कि यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल बाय 20 और 22 और 25 और 19, 18 व्हेन यू आर इन स्कूल, व्हेन यू आर इन कॉलेज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई कैन स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल ऑन 40, आई कैन स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल ऑन 50, आई कैन स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल आफ्टर बींग मदर ऑफ 2-3 चिल्ड्रन. आई डोंट नो, बट यस यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. तुम कर सकते हो तुम्हारी लाइफ में, तुमको जो करना है कर सकते हो, तुम्हारा जो डिसीजन है. तुमको कोई नया प्रोफेशन ट्राई करना है, तुमको कुछ नई चीज़ करनी है, तो उसमें कुछ हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. यस, मुझे भी टाइम लगा था ये एक्सेप्ट करने में. मैंने यूट्यूब चालू कर दिया था कब से, आई गेस एक साल होने आएगा अभी, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे रिवील नहीं किया था क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार लोगों का रिस्पांस क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, या कोई देखेगा तो क्या बोलेगा ये देखो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था. अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो देखोगे तो जिस तरह से मेरा बोलने का स्टाइल है, आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन. अगर आप लोग भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो लाइफ में नया, कुछ भी नया, तो आप करो. मेरी सिस्टर है, उसको भी उसका कुकिंग का बहुत शौक है. मैंने उसको भी यू नो इनक्रेज किया है कि तुम अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ. उसका इंस्टाग्राम पेज भी है, यू कैन फॉलो हर हियर, यू कैन सी एंड यू कैन आस्क हर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. तो ये फोकस ऑन योर माइंड, फोकस ऑन योर हार्ट, फोकस ऑन योर सेल्फ, व्हाट योर बॉडी, व्हाट योर इनर लाइफ टेलिंग यू. हमेशा अगर आप कुछ भी कर रहे हो अंदर से एक आवाज़ आती ही है, बाय एनी वेज आपको बोलता है कि आपको ये इंटरेस्ट है, आपको ये करना चाहिए, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. ओके, ये यूनिवर्स, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको कहने आएगी कि बेटा ये कर, ये कर, ये कर, दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज नॉट. सो प्लीज फोकस योर इनर सेल्फ एंड टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट, नॉट एवरीवन एल्स. अगर कुछ करना है लाइफ में तो खुद पे भरोसा रखो कि दिमाग या दिल जो भी कह रहा है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करो कि ये गुड है और नॉट, उसके बाद उसके बेस पे डिसीजन लो और उस पर आगे बढ़ो. और नहीं कि अभी ऐसा चल रहा है कि यू नो सब लोग 2-3 महीना करेंगे और फिर थक जाएंगे कि यू नो मेरे से नहीं हो रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डू इट कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद ही आपको आइडिया आएगा कि दिस इज येस एक्चुअली वर्क फॉर यू. सो प्लीज डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, टेक योर ऑल डिसीजन बाय योर सेल्फ एंड माइंड योर ओन बिजनेस, डू नॉट माइंड एनी वन एल्सिस बिजनेस. ओके, अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो तो मैं अपनी ऑडियंस को नहीं बोल रही हूँ, ऑफकोर्स जो करते हैं. अगर मैं भी थी पहले से, मैं आई वॉज अ पर्सन हु जज पीपल. सो मेक अ चेंज इन योर सेल्फ ओनली. अगर आप खुद को चेंज करोगे तभी दुनिया आपको चेंज दिखेंगी, या फिर तभी दुनिया का पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज होगा, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं होने वाला है. अगर आप ये
अब अगर आप खुद को टॉक्सिक रहना है, खुद को नेगेटिव रहना है और आप चाहते हो कि दुनिया मेरे सामने पॉजिटिव रहे और दुनिया मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली ये सब लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो यू नो मुझे कंटिन्यूस पॉजिटिविटी देता रहे, तो दैट विल नॉट गोइंग टू हैपन मैन. हेलो, वेक अप योर सेल्फ. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू योर सेल्फ हैव टू मेक ऑल चेंजेस फॉर ओनली योर सेल्फ. देन यू कैन सी द वर्ल्ड बाई योर पॉजिटिव आईज. अभी बहुत ज्ञान हो गया है, अभी मैं जो करने आई थी वही कर. सो अभी तक इन बैंगल्स को मैंने पहना नहीं है. आई होप सो मैं कि जल्दी ये सब पहनना स्टार्ट करूं. जो ये दूसरी बैंगल आपको दिख रही है, ये और ये सारी बैंगल्स मैंने अपने सिस्टर के वेडिंग में ली थी. ये मल्टी कलर बैंगल्स है, मुझे लगा था ये कोई भी आउटफिट में आ जाएंगी इसलिए मैंने ले ली थी. ये मेरा साइज है 28. ये बहुत सस्ती पड़ी थी मुझे और तब मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि कोई कुर्ती वुर्ती मैं वेयर करूं या फिर मैं कोई वीडियो बनाऊं कुछ भी करूं तो उसमें मैं ये डाल सकती हूं. तब मैंने पर्पज़ मेरा ये था वेडिंग के कोई आउटफिट में मैच हो जाएगा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैंने ये पहनी ही नहीं है. आई होप सो कि अब मैं पहनूं. ये बैंगल्स मैंने पहनी थी गरबा जब था मेरी बहन की शादी के अगले दिन, तब ये मैंने रात को पहनी थी. ये भी पिंक मैंने ऐसे ही ले ली थी लेकिन मैंने अभी तक पहनी नहीं है. आप लोगों को लगेगा ये लेती है पहनती नहीं. और यहाँ पे जो पड़ी है ना ये मल्टी कलर, ये अगर आप यू आर अ 90 किड्स आपको पता होगा ये एक फैशन आया था जब इस तरह का बैंगल्स मिल रहा था, तो तब का ही मैंने ये परचेस किया हुआ है और मैंने इसको बहुत पहना है. ये सबसे महंगा था तब मैंने जब ये परचेस किया था. फॉर मी इट वॉज लाइक 350 और 400 रुपीस का. तब मेरे लिए ये ऑफकोर्स महंगा था क्योंकि मैं इतना कुछ कमाती धमाती नहीं थी, तो ऑफकोर्स इट वॉज कॉस्टली फॉर मी. तो ये तब लिया था मैंने, बट इसको मैंने बहुत पहना है और मैं आगे भी पहनूंगी. द नेक्स्ट थिंग इज दिस बैंगल्स. ये बैंगल्स बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं अभी, आप लोगों को पता होगा. तो इसके अंदर आप कुछ भी अलग अलग इसको ऐसे ही पहन सकते हो, ये तीन एक हाथ में, ये तीन एक हाथ में, और इसको फ्यूजन करके अंदर भी कुछ अलग अलग कलर्स डाल के भी आप पहन सकते हो. मैंने तो ऐसे ही पहना था और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. जनरली इसको आप साड़ी में या फिर कोई लहंगा चोली पहना हो तो उसमें पहन सकते हो. मैंने लहंगा चोली में ही पहना था एंड इट लुक्स परफेक्ट. भी जो है वो बैंगल्स नहीं है लेकिन इयररिंग्स है विच आई वियर ऑन गरबा नाइट ऑफकोर्स. तो ये इयररिंग्स है. आई होप ये पीछे का जो डार्क बैकग्राउंड है उसकी वजह से आपको दिख रहा होगा. ये इस तरह के इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ही पहनती हूँ जब भी मैं ऐसे भी ऑफिस में भी कुछ भी मैंने अगर हैवी कुछ फंक्शन है या पे कुछ भी है तो मैं पहन लेती हूँ. आई लव दिस काइंड ऑफ इयर. ये जो चीज़ है ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, ऐसे ही मैंने मंगवा ली थी और मुझे ये काम में आ गई थी. ये मैंने हल्दी में पहना था शादी में. मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको. ये चोकर है, ये मैंने कुछ 200-250 या 300 में मंगवाया था, मुझे याद नहीं है. तो ये यहाँ पे मोती का काम है और बीच में इस तरह का राउंड दिया गया है. सेम स्टाइल में इसका इयररिंग्स भी है इस तरह का. स्टाइल भी है जो मैंने अभी कान में पहन के रखा है. ये प्रेस की करके पहनी हुई है और ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे. मैं पियर्सिंग करवाती हूँ तो मेरा ये इश्यू हो जाता है कान का, अदरवाइज मुझे बहुत ही शौक है पियर्सिंग करवाने का. माय स्किन इज लुकिंग गुड. इसके बाद मैंने ऊपर का जितना भी मेरा सामान था उसमें से सब चीज़ें निकाली है. ये जो पैंट थी जो मुझे मिल नहीं रही थी मुंबई में, ये ब्राउन कलर या ब्राउन न्यू टाइप ऑफ कलर जो मैंने मुंबई से ली थी, कितनी ढूंढी मिले नहीं रही थी वो यहाँ पे थी. ये बहुत ही लाइफ सर्वाइवर काइंड ऑफ थिंग है जो लाइफ को बचा लेता है गर्मियों में. तो ये चीज़ मैंने लिया था दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट से. ये 600 रुपये में मुझे पड़ा था. ये कुर्ता और नीचे पैंट है ये प्रिंट में, तो ये भी मुझे मिल गया है. थर्ड थिंग इज ये तो मेरा घर का प्रोडक्शन ही है, मेरे पापा ने मुझे दिया था गिफ्ट में तो ये मैंने सिलवाया था. ये इस तरह का है, इसका दुपट्टा भी है, वो यहाँ पे है नहीं लेकिन इसका प्लाजो है. प्लाजो इसका ऐसा है, नीचे पूरा कटवर्क दिया है
और इस तरह का ये प्लाजो है। दूसरी चीज़, मुझे इंस्टाग्राम पेज से दो साड़ी आई है, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे आजकल साड़ियों का बहुत शौक हो रहा है पहनने का। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी आई है, मतलब तो ब्यूटीफुल कलर ना, ये देखो। ये साड़ी मैंने ट्राई की है जस्ट ऐसे ही डाल के कि कैसा मटेरियल है इसका। तो इसका जो पेटल्स बनते हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कुछ साड़ियाँ होती हैं जो अकेले नहीं पहन पाते, किसी की ज़रूरत पड़ती ही है उसमें, लेकिन ये ऐसी साड़ी है जो मैं अकेले भी पहन सकती हूँ। और इसके नीचे ऐसे रेशे दिए हुए हैं जो पल्लू में आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो साड़ी, बट ये ब्लू कलर की साड़ी है। कितना ब्यूटीफुल, आप देख रहे हो शेड मेरा जो चेंज हो रहा है, ये देखना मेरा फेस का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वाह, ये एकदम कूल टोन वाला ब्लू है। और ये ब्लू पर्टिकुलर, दिस ब्लू, दिस इज नॉट नेवी ब्लू, दिस इज काइंड ऑफ रॉयल ब्लू। सो इसमें भी इस तरह की ये लटकन बोलते हैं इसको, ये दिया गया हुआ है, गुजराती में तो उसको फोमता भी बोलते हैं, मैंने मम्मी को हाल ही पूछा। सो इसको इसका मुझे एक्साइटमेंट बहुत है, इसको मैं जल्दी से पहनने वाली हूँ। ओके ख़त्म। दूसरा साड़ी ये है, ये मैं खोलने नहीं वाली हूँ, आई एम सॉरी। ये मुझे गिफ्ट आया हुआ है साड़ी, वो ब्लू कलर ही वायलेट है, डोंट कन्फ्यूज। के नीचे ऐसा बॉर्डर दिया है, इसका पल्लू में थोड़ा सा खोल के फुल रेखा वाइप जैसा साड़ी है, जिसको मैं वैसे ही पहनने वाली हूँ। इसका ब्लाउज है ये वाला, पल्लू में इस तरह का ये डिज़ाइन है पिंक, और ये पता नहीं कौन सा कुर्ती निकला है, माई डैड गिव्स मी दिस कुर्ती। मेरे पापा के यहाँ पे ये जो काम दिख रहा है ये होता है, तो ये कुर्ती उन्होंने मुझे दिया है। आई विल वियर दिस सून इन अंडर दिस वाइट प्लाजो, आई गेस दिस विल लुक ब्यूटीफुल अंडर दिस प्लाजो। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। होप सो आप सबको ये पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपके फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करो। और प्लीज़ मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सब्सक्राइब की, और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी 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 सब्सक्राइब करो। बाय बाय।